नमस्कार दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियो जो कि अरबी के डंठल की बड़ियों की थी, बहुत उसको पसंद किया और मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि आप हमें इसकी सब्जी बनाना भी सिखाएं। तो लीजिए, आप सबकी रिक्वेस्ट पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अरबी के डंठल की बड़ियों की सब्जी। और दोस्तों, ये जो सब्जी है ना, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप इसको ज़रूर से बनाइएगा। और हाँ, इसी तरह की और भी आपको हिमाचली रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मैं प्लेलिस्ट का लिंक दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमेशा की तरह लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है अरबी के डंठल वाली बड़ियाँ जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाई थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत टेस्टी सब्जी इसकी बनती है। तो बस साथ में आपको लेना है एक छोटा टमाटर, ज़्यादा टमाटर इसमें नहीं लगता क्योंकि जो बड़ियाँ हैं उनमें भी हल्की खटास होती है। और ये देखिए, दो बड़े मैंने लिए हैं प्याज। प्याज को ना तो बारीक काटने की ज़रूरत है ना ग्राइंड करने की ज़रूरत, बढ़िया सा हम मसाला ऐसे ही तैयार करेंगे। और ये देखिए, चार पांच मैंने लहसुन की कलियाँ ली है और एक ली है हरी मिर्च। साथ में आपको थोड़ा सा लेना है कुटा हुआ अदरक। कुटा हुआ क्यों, वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। और आलू लेना ऑप्शनल है, तो मैंने यहाँ दो से तीन आलू जो हैं वो ले लिए हैं। और देखिए, ताज़ा आलू हैं ये, उबले हुए आलू नहीं है, तो छिलका इनका निकाल लीजिए, उसके बाद आप इसे पीसीज में काट लीजिए और फिर धो भी लीजिएगा। तो देखिए, दो ही आलू मैंने यहाँ लिए हैं, ज़्यादा आलू मैं नहीं डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से आलू कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से सब्जी को बनाते हैं और कुकर में इसे हम बनाएंगे जिससे जल्दी ये पक जाएगी। तो दो से तीन चम्मच आप तेल के डाल लीजिए, तेल गर्म हो जाए तो इसमें बड़ियों को मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कीजिएगा। हाई फ्लेम नहीं करनी है, ठीक है, हाई फ्लेम करेंगे तो जल्दी जल्दी से बाहर से ब्राउन कलर हो जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो मीडियम लो फ्लेम पर इसे आप रोस्ट कीजिए। और ये देखिए, जब इस तरह का सुनहरा सा कलर आ जाए ना, तब इनको आप निकाल लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको अमृतसरी बड़ियाँ बनाना सीखनी है तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, उसी तेल में आप आलुओं को भी रोस्ट कर लीजिएगा। बिना रोस्ट किए भी आप बना सकते हैं, लेकिन देखिए तेल भी है और कुकर भी हमारा बढ़िया से गर्म ही है, तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो और भी टेस्ट आएगा। ये देखिए, सुनहरा होने तक आलूओं को भी मैंने फ्राई कर लिया है, मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अब देखिए, तेल जो है थोड़ा सा बच गया है। अब अगर आपको लगता है कि बहुत कम तेल है, इसमें तड़का नहीं बनेगा, तो आप थोड़ा सा तेल डाल लीजिएगा। लेकिन देखिए, मैं इतने ही तेल में इसे बनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल देखिए हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और कम तेल में कैसे बनाई जाती है ये भी आप सीख लीजिए। तो गरम तेल के अंदर आप डाल लीजिए थोड़ा सा तेज़पत्ता, लाल मिर्च, दालचीनी और थोड़ा सा साबुत धनिया, इस तरह से क्रश करके डालिएगा। क्रश करके डालने से क्या है ना, बढ़िया सा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा डाल लीजिए साबुत जीरा और ये चुटकी भर हम डालेंगे मेथी दाना। बस मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें आप रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए, सुनहरा सा कलर आ गया है, खुशबू भी अच्छी आ रही है मसाले में से। तो इस स्टेज पर अब आप इसमें डाल लीजिए कटा हुआ प्याज और अब हाई फ्लेम पर आप 5-7 सेकंड के लिए इसको भून लीजिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनेंगे। और अब इसमें डाल लीजिए लहसुन और हरी मिर्च, अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद इसमें आपको डालना है कुटा हुआ अदरक। कुटा हुआ क्यों, कुटा हुआ इसलिए दोस्तों क्योंकि देखिए, मसाले को हम ना ग्राइंड कर रहे हैं ना तो हमने काट कर डाला है, तो ये तो बढ़िया से अच्छे से मेल्ट हो जाता है, लेकिन जो अदरक है ना, वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको मेल्ट होने में, इसलिए कुटा हुआ ही डालिएगा। और थोड़ा सा डाल लीजिए इसमें हींग। अब मसाले को आप मीडियम फ्लेम पर पकाइए, क्योंकि हाई फ्लेम करेंगे तो देखिए तेल बहुत कम है, ये जल जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पर इसे आप पकाइएगा। जितने ही हमें लगेगा कि फ्लेम ज़्यादा हो गई है तो आप कम कर लीजिए, कम लगे तो थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, लेकिन लगातार इसको चलाते रहना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्याज है काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, हल्का सा कलर भी इसमें चेंज हुआ है। तो इस स्टेज में आप इसमें डाल लीजिए कटा हुआ टमाटर। और देखिए, टमाटर डाला है तो हल्की सी फ्लेम इस स्टेज पर बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि टमाटर में मॉइस्चर होता है। अब देखिए, जो तेल कम लग रहा था आपको वो भी बराबर हो जाएगा क्योंकि टमाटर में था पानी।
अब पानी भी सूख गया और कलर भी चेंज हो गया है इसका, मसाले का थोड़ा सा। तो थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ पानी। पानी क्यों? क्योंकि मसाला नीचे लग रहा था, अच्छे से कलछी चल नहीं रही थी। तो आपको भी ऐसा लगे ना तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पकाइएगा। और ये थोड़ी सी मैंने डाल दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, और अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए, एक चम्मच मैंने डाल दिया धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच घर का बना हुआ गर्म मसाला, और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर अच्छे से कलर के लिए। साथ में डाल लीजिए हल्दी का पाउडर, और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ एक छोटा चम्मच नमक का डाल रही हूँ। तो देखिए, इस स्टेज पर जब आप मसाले डालकर पकाएंगे ना तो ग्रेवी में बहुत बढ़िया कलर आता है, और इसमें और भी बढ़िया ब्राउन सा कलर आए तो उसके लिए इसमें आप डाल लीजिए आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, जिससे कि बढ़िया सा कलर आएगा, ब्राउन कलर आपकी ग्रेवी में। अब आपको अच्छी तरह से इसको पकाना है, लेकिन मसाले जलने नहीं चाहिए, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये देखिए, बढ़िया से जब मसाले हमारे पक गए हैं ना, तब आप इसमें डालिए 2 से 3 कलछी पानी की। तो देखिए, पहले एक कलछी डालेंगे, फिर मिक्स करके देखेंगे, अगर लगेगा कि अभी ज़रूरत है तो और डालेंगे। इकट्ठे पानी नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रेवी को अब पकाना है। और इस तरह से जब आप ग्रेवी बनाएंगे ना तो ज़बरदस्त आपकी सब्जी बनेगी, और ये मेथड शायद आपको किसी ने पहले नहीं सिखाया होगा। तो बस पानी डालने के बाद अब ढक्कन लगा लीजिए और मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी इसमें लगवाइएगा, और इस मेथड से जब ग्रेवी बनाएंगे ज़बरदस्त बनेगी। मैंने भी ये मेथड तभी अपनाया क्योंकि लाइट चली गई थी, तो मिक्सी को चलाना कैसे मुश्किल था, इसलिए वीडियो भी बनाना था आपके लिए। तो मैंने कहा इस तरह से बनाकर देख लेती हूँ, अच्छी बनेगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। अब आप खुद देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बनी है, कलर बहुत बढ़िया आया है, और एकदम सॉफ्ट हो गया है हमारा प्याज भी और सारे मसाले भी। अब इसे आप देखिए लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, जिससे क्या है ना, बढ़िया से ग्रेवी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, कोई भी इसमें प्याज खड़ा हुआ आपको नहीं मिलेगा, बढ़िया से ग्रेवी तैयार हो गई। तो है ना एकदम यूनिक मेथड। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। तो बस ग्रेवी के अंदर हम डाल देंगे भुनी हुई बड़ियाँ, और बड़ियों को हल्का सा रोस्ट करेंगे, जिससे क्या है ना, मसाले जो हैं वो अंदर तक चले जाएं। तो अब आपको इसमें आलू भी डाल देने हैं, और आलू देखिए पके हुए ही हैं, इसलिए हमने पहले आलू नहीं डाले हैं। अगर आप कच्चे आलू बिना फ्राई किए हुए डालना चाहते हैं तो पहले आलूओं को डालिएगा, हल्का सा रोस्ट कीजिएगा, फिर बड़ियों को डालिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा राड़ा लगाएंगे, इनके हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं, आधे मिनट के लिए मैंने ढक्कन बंद किया था, और फ्लेम हमारी मीडियम लो थी। अब इसमें उतना पानी डालिए जितनी की आपको ग्रेवी चाहिए, और जितनी आप नॉर्मल सब्जी में पानी डालते हैं ना उससे ज़्यादा पानी इसमें डालना पड़ता है, क्योंकि बढ़िया जो है बाद में पानी को सोख लेती है। तो ये देखिए, पहले मैंने थोड़ा पानी डाला, अब थोड़ा और डालकर देख लेंगे, क्योंकि मुझे ये खानी है चावल के साथ। चावल के साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी डाला। अब इसमें घर का बना हुआ आधा चम्मच गर्म मसाला डाल लिया है। दोस्तों, घर पर गर्म मसाला कैसे बनाया जाता है उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, उसका भी आप लिंक देख लीजिएगा। सस्ते में और बढ़िया आपको गर्म मसाला मिल जाएगा। अब मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आपको लगवानी है। 2 सीटी लगवाने के बाद आप देखिएगा, अगर आपको लगे तो 1 सीटी और लगवा लीजिएगा। लेकिन 2 सीटी लगवाने के बाद मैं देखिए चेक कर रही हूँ, अब फ्लेम भी मैंने ऑन कर दी है, लो फ्लेम पर रखी है। अब हल्के हाथों से इसको आप मिक्स कीजिए और चेक भी कर लीजिए, बढ़िया अच्छे से पक गई है। अगर नहीं पकी है तो थोड़ा सा और पका लीजिएगा, और पानी की ज़रूरत हो तो वो भी डाल लीजिए। और हाँ, मेरा वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ। तो ये देखिए, बढ़िया सॉफ्ट हमारी बढ़िया हो गई है। और देखिए, ग्रेवी का पूरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये ठंडी हो जाती है ना सब्जी तो ग्रेवी को सोख लेती है। अब लास्ट में 1 चम्मच डाल लीजिए देसी घी का, जिससे कि बढ़िया शाइन आएगी सब्जी के अंदर। 2 मिनट पकाने के बाद सब्जी आप देख सकते हैं, और मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है, तो मैं तो अभी इसे खाने वाली हूँ। आप भी इसे ज़रूर से बनाइएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हो सके तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।